डोली साथ सज्जा के साथ तैयार हूँ। अहिंसा क्या है? सर हिंसा ना करने का मतलब नहीं है अहिंसा। आपके टोली का प्रदूषण से समाज को क्या बताना चाहते हो आप? ध्वनि प्रदूषण से हम ये बताना चाह रहे हैं कि जैसे आजकल जो जो भी गाड़ियाँ बहुत सारे पहले की हैं वो सारी गाड़ियाँ बंद कर दी जाए, जिससे हमें हमारे समाज या वातावरण में जो नुकसान हो रहा है वो सारे ना हो। पुरानी गाड़ियों से हमारे वातावरण में जो नुकसान पहुँचता है। पहले क्वेश्चन समझने का प्रयास करो। अच्छा, नई गाड़ियों की आवाज़ आती है? नहीं नहीं, पुरानी गाड़ियाँ। नई गाड़ियाँ आवाज़ नहीं कर रही हैं? नहीं करती हैं सर, लेकिन जो पुरानी गाड़ियाँ हैं पुरानी गाड़ियों का इसी वजह से। सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण है किससे? लाउड स्पीकर। जैसे सर डीजे। डीजे सर कुछ पूछ रहे हैं उसको बता। सर प्लीज, मतलब ये न्यूनतम है ना? प्लीज न्यूनतम है 60। सही है, कितना तक हम सुन सकते हैं? ओके, सबको बताया गया एक साथ एक जैसे। सर पढ़े बेटियां। बताओ सर को। तो पढ़े कैसे लिखो तुम? सर इसमें सॉरी सर इसमें त्रुटियां हो गई है, कलर चेंज किया। चलो बताओ क्या सर। बड़े बेटियां। सर पहले बेटियां पढ़ती नहीं थी, लेकिन अब जमाना बदल गया है, बेटियां पढ़ रही हैं। बेटे और बेटियां में कोई फर्क नहीं है, बेटियां भी हर क्षेत्र में आगे हैं। और सर सभी बेटियों को समान अधिकार सर मिलना चाहिए। सर इससे फायदे रहेंगे, समाज का विकास होगा और समाज में बेटियाँ आगे रहेंगी। मतलब बेटियाँ हर एक क्षेत्र में आगे हैं।